संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कोविड-19 के इस लेवल 3 के सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को काफी देर तक स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिलने से परिवार वाले मरीज को एक कुर्सी पर बैठाकर अंदर तक ले गए, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मरीज की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने और परिवार वालों द्वारा उसे कुर्सी पर लाद कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज ने इस मामले में जांच कराए जाने की बात कही है। तो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की यह लापरवाही, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कुर्सी पर बैठा कर खुद परिवार वाले मरीज को अंदर लेकर गए। संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कोविड-19 के इस लेवल 3 के सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को काफी देर तक स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिलने से परिवार वाले मरीज को एक कुर्सी पर बैठाकर अंदर तक ले गए, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मरीज की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने और परिवार वालों द्वारा उसे कुर्सी पर लाद कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज ने इस मामले में जांच कराए जाने की बात कही है। तो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कुर्सी पर बैठा कर खुद परिवार वाले मरीज को अंदर लेकर गए। संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कोविड-19 के इस लेवल 3 के सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को काफी देर तक स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिलने से परिवार वाले मरीज को एक कुर्सी पर बैठाकर अंदर तक ले गए, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मरीज की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने और परिवार वालों द्वारा उसे कुर्सी पर लाद कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज ने इस मामले में जांच कराए जाने की बात कही है। तो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कुर्सी पर बैठा कर खुद परिवार वाले मरीज को अंदर लेकर गए। संगम नगरी प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि कोविड-19 के इस लेवल 3 के सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को काफी देर तक स्ट्रेचर नहीं मिला। स्ट्रेचर नहीं मिलने से परिवार वाले मरीज को एक कुर्सी पर बैठाकर अंदर तक ले गए, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मरीज की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है। मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिलने और परिवार वालों द्वारा उसे कुर्सी पर लाद कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज ने इस मामले में जांच कराए जाने की बात कही है। तो स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल की लापरवाही, मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला तो कुर्सी पर बैठा कर खुद परिवार वाले मरीज को अंदर लेकर गए।